أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Asif Hassan I have brought to you one of the great topic today for you It's all about English language Basically English language is most important for rest of the people who want to get success in up to coming future and if you want to be something in future so you will have to take interest in English if you are interested in English So better you learn English because the more you learn, the more you get success. So I think it's going to be very nice for you. आज मैं आपके सामने यही बात कहूँगा कि English language एक international language है and हमें serious होके लेना चाहिए. हमें English में अच्छा होना चाहिए. If we are very good at English, everybody will respect us because in our society, most of the people who are speaking English. Other people get a great influence because of such people who are what may call it having a great conversation so I think we must have skills of conversation if we have good enough skills in English language so most of the people they will respect us तो हमें English सीखनी चाहिए और इसको priority भी देनी चाहिए और basically English सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें बड़ी अहम होती हैं मैं उसके बारे में आपको जो है वो बताना चाहूँगा 12 टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसको तो सबसे पहले जो है वो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को टेंसेस जो है वो जल्द अज जल्द सिखवाएं और उसके एक्टिव पैसिव भी बनवाएं 8 के बनते हैं 12 में से 8 के एक्टिव पैसिव बनते हैं इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नॉलेज होनी चाहिए उसको तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की बेहतर इंग्लिश चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो किसी तरह से उनको इसकी तरफ लाएँ इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसके अलावा ग्रामर के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे बहुत से हो गए कैन हो गया कुड हो गया शुड हो गया वुड हो गया माइट हो गया माइट हैव हो गया वुड हैव हो गया कुड हैव हो गया और बहुत से यू नो एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और उसके साथ साथ इंग्लिश में वोकैबुलरी बड़ा अहम किरदार अदा करती है उसके साथ साथ एट द सेम टाइम वोकैबुलरी के अलावा यू नो प्रेपोजिशन पे भी काम किया जाना चाहिए प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता वर्ब की तादाद बहुत ज़्यादा है बड़ी तादाद में वर्ब हैं आज इंग्लिश जो है वो बेसिकली मेरी नज़र में बहुत आसान है इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है बहुत आसान लैंग्वेज है लेकिन बोलना इसको आसान नहीं है बोलना इंग्लिश तब आएगी आपको जब आप पर्टिकुलरली जो है वो खास तौर से अपने चारों तरफ एटमॉस्फेयर को जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी ब्रश्ड अप इफ़ यू वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश यू विल हैव टू कीप इन टच विद सच पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छी बोलें और बेहतर इंग्लिश बोलें तो मेरे इन आइडियाज़ पे ज़रूर काम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ग्रामर पे फोकस कीजिएगा ग्रामर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट मस्ट बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रामर मस्ट बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिकली मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा बेसिकली मेरा यही टॉपिक था मैं बहुत शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि छोटी सी बात हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो आप बोर भी ना हो और मेरे वीडियो जो है वो जल्दी से देखकर आगे की तरफ चले जाएं तो बेसिकली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो है वो बेसिकली इसको लाइक भी कीजिएगा इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहें थैंक यू अल्लाह हाफिज़